इन दिनों किसान जो पारंपरिक खेती होते हैं उससे हट करके कुछ अलग टाइप का खेती कर रहे हैं जिससे कि काफी मुनाफा हो। लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ हट करके खेती भी कर रहे हैं, मुनाफा के साथ साथ सेहत को भी दुरुस्त बना रहे हैं। काले गेहूं की खेती दिन ब दिन बढ़ रही है। दरभंगा में भी कई सारे ऐसे किसान है जो काले गेहूं की खेती कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन भी कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे खास बात यह कि ये स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी माना गया है। हर्ट के लिए या काले गेहूं का जो आटा का रोटी बनता है वो काफी फायदेमंद होता है। साथ में जो बीपी के पेशेंट है उसके लिए भी काफी फायदेमंद माना गया है काला गेहूं। इसमें विशेष जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ है कार्डियोलॉजिस्ट जीएम डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण है, और विशेष जानकारी हम इनसे लेंगे कि ये हार्ट में कितना सक्सेस है या फिर कितना फायदा कर सकता है, इनमें कौन सी ऐसी गुण है जो हार्ट के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश कर्ण, मैंने अपनी पढ़ाई डीएम कार्डियोलॉजी की गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल नई दिल्ली से पूरी की है, तथा वर्तमान में मैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, तथा अपना भी नर्सिंग होम एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम से अगरपट्टी में चला रहा हूँ। आजकल हम देख रहे हैं कि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी अन्न होता है उसमें मात्रा तो होती है लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत कम धीरे धीरे होती जा रही है, क्योंकि बहुत दिन से कोई रिसर्च नहीं हुआ है। उसमें जो अवयव होते हैं उसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो इसी को देखते हुए काफ़ी दिनों की रिसर्च के बाद ऐसा सुनने में आया है कि जो काला गेहूं विकसित किया गया है, ये मोहाली में विकसित हुआ है और वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत से विकसित किया है इसका। और इसमें जो है देखा गया है कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि ये हर्ट ही नहीं पूरे शरीर की सेहत के लिए काफ़ी है। और इसमें काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नाम की अवयव होते हैं जो कि आपको एजिंग में, चाहे जो भी आपका डिस्ट्रक्शन होता रहता है सेल्स का, उसको रोकने में काफ़ी हद तक ये मददगार होता है। तो नेचुरली ये काफ़ी बेनिफिशियल है, और अभी देखा जाएगा कि जब हम लोग इसका यूज़ करना शुरू करेंगे तो कितना फ़ायदा होता है।